असल एट क्लास आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर का क्वेश्चन करना है साइंस का व्हाट इज़ अ बेस राइट डाउन द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ फोर बेसिस ये वाला क्वेश्चन आज आप लोगों ने करना है क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है अल्कलीज या बेसिस आर द कंपाउंड्स प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन द इन देयर एक्वस सॉल्यूशन बेसिस और एटलीस्ट एक ही लफ्ज़ होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड आइंस प्रोड्यूस करें हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड आइंस वो किसे कह रहे हैं ये ओ एच नेगेटिव को कह रहे हैं हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड आइंस कहते हैं इन्हें ये प्रोड्यूस करें एक सोल्यूशन जब इन्हें पानी के अंदर मिलाया जाए ठीक है इन्हें हम कहेंगे बेसिस वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड आइंस प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम बेसिस कहेंगे आपके भी दिए सोडियम जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ई टी सी ठीक है ये आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस एंड अल्कलीज ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं अब उन्होंने क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि चार बेसिस के नाम और उनके फार्मूलाज भी लिखे तो अब ये नीचे आप आ जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए ओ एच ये इसका फार्मूला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखा हुआ है आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी तरह ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनमें से आपने चार चार इनके अल्कलीस के नाम और इनके फार्मूले भी करने हैं और ये ऊपर से इसकी डेफिनेशन है ये करनी है ये आपके क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट सिक्स का आंसर है थैंक यू